तो चलिए दोस्तों इसकी करते हैं टेस्टिंग। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको दिखाऊंगा एक ऐसी गन जिसको आप घर पर भी आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों, पहले इस गन का उपयोग जानवरों को भगाने के लिए किया जाता था, लेकिन अब इसका आजकल दिवाली पे भी उपयोग होने लगा है। तो दोस्तों, इस आसान सी गन को बनाने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी आपको मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों, आपको एक पाइप चाहिए जो कि मैं 3 इंची का 2 फिट का पाइप। उसके बाद आपको चाहिए एक कनेक्टर जो कि इस 3 इंची के पाइप को और इस 4 इंची के पाइप को कनेक्ट करेगा। ये मैंने लिया है एक 4 इंची का पाइप 1 फिट का, और इसका एक एंड कैप मैंने यहाँ पर लिया है जो कि इसके पीछे से यहाँ पर लगा दिया जाएगा। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं, इसको बनाते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपको ये गन आपको पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल पर आप मेरे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले इस तरह के अपडेट्स आपको मिलते रहें। चलिए दोस्तों, हेलो दोस्तों, इसका आ गया है एक फाइनल लुक। तो मैंने इसको 4 इंची के पाइप को और ये 3 इंची के पाइप को एक कनेक्टर से कनेक्ट कर दिया है। लास्ट में लगा दिया एक एंड कैप और इसके पीछे एक लाइटर को कनेक्ट कर दिया। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाऊंगा जो इसमें हम डालेंगे उसको हम बोलते हैं कार्बेट, वो इस तरह का आपको दिखने वाला है। और लास्ट तक वीडियो जरूर देखना दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले इस तरह के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। इस कार्बेट को आपको अंदर डालना होगा, उसके बाद लेना आपको पानी, पानी डालने के बाद आपको करना है 5 सेकंड का वेट। और मैंने इसको ऑक्सीजन बंद करने के लिए यहाँ पर एक पाइप लगा दिया है, इसको ऊपर से आप बंद कर देंगे होल को। तो 5 सेकंड वेट करने के बाद आपको इस लाइटर के बटन को दबाना होगा, और अगर आपको आवाज़ अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसकी करते टेस्टिंग। तो दोस्तों, इसकी साउंड टेस्टिंग आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।